Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में स्वागत है। तो आज जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा का जो 2007 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। दोस्तों आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोगों के बीच में हम टेस्ट लगवाएंगे और आप इस टेस्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं और इसके लिए जो है 2020 के लिए आप लोग कितना तैयार हैं इसे जो है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी जो है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन है हिंदी का और हिंदी में पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा कि स्वागतम का संधि विच्छेद है स्व प्लस आगतम कि स्वा प्लस गतम कि स्वा प्लस आगतम कि सु प्लस आगत। तो यहाँ पे आप लोग सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत जो है यह सही है। और यह कौन सा संधि है, तो यहाँ पे संधि की अगर बात करें तो ऊ का व हो जाता है, तो यह जो है यन संधि का उदाहरण है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि स्वागत जो है यन संधि का उदाहरण है और सु प्लस आगत होगा और इसमें ऊ प्लस आ वर्णों का मेल हुआ है। तो यहाँ से इतना सब चीज़ों जो है हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि राम सीता के साथ वन चले गए, इसमें राम शब्द क्या है। तो कहता है सर्वनाम की संज्ञा की क्रिया की विशेषण। तो यहाँ पे जल्दी इसका सही आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी, संज्ञा, क्योंकि राम जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसी कारण यहाँ पे यह राम जो होंगे संज्ञा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तो देखिए यहाँ पे है दिन में ही तारे दिखाई देना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ए में है असंभव कार्य होना, बी में व्यर्थ सपने देखना, सी में आँख खराब होना और डी में मारपीट सहने से कष्ट होना। तो यहाँ पे आप लोग सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मारपीट सहने से कष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न ये रहा कि किस राजा ने ताजमहल बनवाया था। तो अकबर की जहांगीर की शाहजहाँ की औरंगजेब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शाहजहाँ हो जाएगा। आप लोग भी जो है साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए। अगला देखें अगर पांचवा, तो कहता है इनमें से संयुक्त स्वर है अ की ए की आ की हरस दीर्घ। तो वहाँ पे इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा ए, और इसी कारण करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखें छठा, तो कहता है कि जो शिक्षा देता है के लिए प्रयुक्त शब्द है शिक्षित की शिक्षार्थी की शिक्षक की ज्ञानी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक, शिक्षक ही शिक्षा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखें तो निम्न में से एक वचन शब्द बताइए। तो ए में है नारियाँ, बी में तारे और सी में छात्रों और डी में प्रियतम। तो एक वचन शब्द जो है आप जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही आंसर कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, प्रियतम, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें हम आठवां प्रश्न, तो कहता है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या है। तो अवनत की आरोहण की पतन की आवर्तन। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नौवां जो प्रश्न है, सिर पर पैर रखकर भागना का अर्थ क्या है। ए में है तेजी से भागना, बी में सिर झुकाकर दौड़ना, सी में शीर्षासन करना और डी में है गिर जाना। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तेजी से भागना, और इसी कारण ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दसवां प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा
कि कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ए में है कानन, बी में वन और सी में अरण्य और डी में है अवनि। तो इसका जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, सही आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवनि, और अवनि ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगला देखें, क्योंकि अवनि का मतलब क्या होता है, यह एक पृथ्वी होता है, पृथ्वी अवनि मतलब होता है, जो कि जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला हम 11 नंबर प्रश्न देखें, तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कंठ व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे ग, बी में है छ, सी में ठ और डी में द। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ग। ग जो है यह कंठ व्यंजन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न देखें, कहता है त्रिभुज में कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो 13 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में महर्षि अरविंद, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में शरत चंद्र। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14, कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची है, तो रवि, पावक, सावक और अंबर। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कि इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावक। पावक का मतलब होता है आग, तो यहाँ पे सही आंसर पावक। जबकि यहाँ पे रवि जो है वह सूर्य का है, और यहाँ पे जो सावक दिख रहा है, तो यह सावक दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब होता है कि पशु का बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है। और अंबर का मतलब होता है क्या, आसमान। ठीक है, तो ये नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, यदि हम 15, तो कहता है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। ए में है अनाथ, बी में विधुर और सी में परित्यक्त और डी में है अविवाहित। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग बताइए, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधुर, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 16 यदि देखें, तो कहता है कि आँखों का तारा होना का अर्थ जो है क्या होगा। तो ए में है आँख का चमकना, बी में आँखों का खराब होना, सी में प्यारा होना, डी में नींद नहीं आना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारा होना। आगे देखें, यदि 17 नंबर प्रश्न, तो कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो श्यामला, कमला, बिमला और गमला। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा गमला, तो यह गमला जो है स्त्रीलिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट देखें 18 नंबर प्रश्न, कहता है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, यह किस कवि का कविता है। तो हम लोग जो है एक दोहा पढ़े होंगे कि आज करी तो कल करी, कल कर तो अब, तो यह जो है कबीर दास का दोहा था। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें 19 नंबर प्रश्न, तो कहता है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ए में विदुषी, बी में बुद्धिमती और सी में है विदुषिका और डी में विद्यार्थिनी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा विदुषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि देखें हम भ्रिकुटी तन जाना का अर्थ क्या होता है। तो ए में है क्रोधित होना, बी में आँखों में झांकना, सी में डराना और डी में अपलक निहारना। तो करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला देखिए, हम लोग गणित के प्रश्न में जो है आ गए हैं, और यह गणित का प्रश्न जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से है, कहता खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पे जब देखें कि 0.6 गुना खाली स्थान बराबर 180 लाना है, तो देखिए तो यहाँ पे 0.6 गुना अगर 300 करेंगे तो ये दशमलव से एक जीरो कट जाएगा और 30 × 80 = 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300।
ठीक है। नेक्स्ट अगर 22 नंबर प्रश्न को देखें तो कहता है कि खुला नल जिसका आकार और आकृति समान हो की तुलना में एक ठोस नल का आयतन क्या होगा। तो आयतन जो पहले वाला के होगा वही जो है एक ठोस नल का आयतन होगा, तो इसीलिए इस दोनों का जो आयतन होगा समान होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, एक कार पार्किंग में अधिकतम 60 कार खड़ी हो सकती है, यदि किसी समय 5/12 भाग भरा हुआ है तो कारों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो 60 कार है उसमें 5/12 भाग भरा हुआ है, तब 12 × 5 = 60 और 5 × 5 = 25 हो गया, यानी कि 25 गो कार जो है क्या हुआ है उसमें पार्किंग में भरा हुआ है, तो कारों की संख्या जो है यहाँ पे 25 हो जाएगी और सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्योंकि अधिकतम तो कार वहाँ पे 60 भर सकती है, लेकिन पूछ रहा है कि जो भरा हुआ है उसमें कारों की संख्या कितनी है, तो 25 होगा। अगला यदि देखें कि निम्न को सरल कीजिए, इतना गुना 3.1 प्लस 2 गुना 1.6 माइनस 0.9 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 31 में 4 से, यानी 3.1 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 × 3 = 12, यानी कि यहाँ पे 12.4 हो गया, और 1.6 में 2 से करेंगे तो 16 × 2 = 32 यानी 3.2 हो जाएगा, और इसको जोड़ के 0.9 घटा देना है, तो 4 × 2 = 6 और 3 × 2 = 5 हो गया, और 1 तो 15 में से 0.9 घटाएंगे तो 14.7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यदि देखें 25 नंबर प्रश्न, तो कहता है x = 2 y = 6, तो इतना का जो है वैल्यू क्या होगा। तो 2 है तो 2 और x के वैल्यू रखना है 2 प्लस 3 और y के वैल्यू रखना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 6 × 3 = 18, तो 18 × 4 कितना हो गया, तो 22 हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यदि देखें तो क्वेश्चन है कि 600 पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 600 है, इस पे रेट कितना है, तो 9% 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 2 से गुना करेंगे बटा 100 कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, 9 × 2 = 18, 18 × 6 = 78 से 108 अर्थात 108, और 108 रुपया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला यदि देखें तो कहता है कि एक वृत्त का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, और जबकि पाई का मान जो है 22/7 लेना है, तो व्यास 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, तो परिधि का जो है हम लोग फार्मूला जानते हैं, परिधि क्या 2πr जानते हैं, यानी 2πr, तो 2 है तो 2, पाई के वैल्यू 22/7 और r के जगह 7/2 यहाँ पे रखना है, तो 7 से 7 ही कट गया और 2 से 2 कट गया और बच गया 22, अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि देखें तो 28 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितना होता है, तो 1000 होता है, और इसमें जब हम 7 से भाग देंगे जो शेषफल बचेगा, देख लेते हैं, 7 × 7 यहाँ पे 3 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 × 6 = 28 और यहाँ पे कितना 2 बच गया, फिर यहाँ से जो है एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14, तो 14 तो फिर 6 बच जाएगा, तो ये 6 जब बच गया तो यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें हम 1 और जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, जो कि यह 7 से विभाजित है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसी कारण इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखें यदि बात करें तो 29 नंबर प्रश्न कहता है, एक गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो इसकी गति बताना है, तो दूरी हमारा 720 किलोमीटर है, समय 12 घंटा लग रहा है, तो 12 × 72 अर्थात 60 किलोमीटर पर आवर उसका जो है क्या होगा, गति होगा, स्पीड होगा, और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यदि बात करें तो 30 कहता है कि निम्न में से कौन अविभाज्य है, अविभाज्य संख्या है,
अविभाज्य का मतलब क्या हुआ कि विभाज्य नहीं है, ठीक है, और वह को किससे अविभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, जैसे कि यहाँ पर ही होगा कौन जो है यहाँ पे अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या सॉरी है, तो अभाज्य संख्या है इसमें देख लीजिए आप, तो ये भी जो है ये अभाज्य संख्या यहाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे ये जो है यानी ये अभाज्य संख्या है 97, क्योंकि यह जो है इसका गुणनखंड दुग होता है 1 और 97, ठीक है, इसी कारण यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97। तो यहाँ पे क्या होगा, अभाज्य होगा, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होगा, ठीक है, अभाज्य। आगे यदि हम देखें तो कहता है कि 1000 भागा 10/15 का मान जो है क्या होगा, तो 1000 भागा है तो इसको गुना कर देंगे तो पलट जाएगा, 15/10 हो जाएगा, तो 10 से को 0 कट गया, 100 में 15 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 1500 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कहता है कि मोहन अपनी वॉशिंग मशीन इतना रुपया में बेचता है तो इतना की हानि उठाता है, तो मशीन कितना में खरीदा, तो 4650 रुपया में क्या किया था, बेचा था, सॉरी 4650 रुपया में बेचा था जिस पे 1750 रुपया की हानि हो गया, इसका मतलब खरीदा था तो 1750 और भी हम इसमें जब जोड़ देंगे तो खरीदा हुआ मूल्य निकल जाएगा, तो 0, 5, 5, 10 की 0, 7, 6, 13 और 1, 14 हो जाएगा और 4, 1, 5, 1, 6 यानी कि यहाँ पे 6400 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6400, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें तो कहता है कि 5275 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मिलीग्राम को यदि ग्राम में बदलना है तो मिलीग्राम का मतलब होता है 10^3 अर्थात 1000, तो 1000 से हम इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, और 3 अंक का दशमलव कौन है यहाँ पे, तो देखें 5.275 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यदि देखें कहता है कि घन की एक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो 1.5 की अगर क्यूब करेंगे तो देख लीजिए कौन सा आएगा यहाँ, तो 15, तो 225 में फिर अगर हम देखें 15 से गुना करके, तो यहाँ पे देखिए 225 में 15 से गुना हम करेंगे यदि, तब 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 7 बचा, 15 × 2 = 30 और 7 = 37 हो जाएगा, 15 × 2 = 30 और 3 = 33 हो जाएगा, और दशमलव बैठ जाएगा कितना अंक के बाद, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 3 बारी गुना हुआ है इसीलिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा और 3.375 हो जाएगा, और यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, और सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें तो कहता है कि त्रिभुज के 2 कोण 60° और 80° है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180° होता है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना है, 814 140 है, तो इसको 180 में से घटा देंगे तीसरा कोण निकल जाएगा अर्थात 40°, तो यही जो है हमारा थर्ड एंगल निकल गया, तो 40° यहाँ पे सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यदि बात करें 36 नंबर प्रश्न, तो कहता है एक आयत की भुजाएँ 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 मीटर यहाँ पे है, 10 मीटर आई 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर इसको कह सकते हैं, 50/100 करेंगे तो 1/2 मीटर, तो 2 से यहाँ कट जाएगा तो 5 वर्ग मीटर के बराबर होगा क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 5 वर्ग मीटर कौन है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे यदि हम देखें 37 नंबर कि एक कमरे की छत एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के फार्मूला होता है 4 × भुजा, तो भुजा कितना है 6 है यानी 6 × 4 = 24 और 24 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यदि बात करें तो कहता है कि 1644 का 25% किसके बराबर होगा, तो 1644 अब 25% मतलब 1/4 होगा, तो यहाँ से काट दे तो 4 × 16 = 4, 4 × 4 = 4 यानी 411 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हम देखें यदि इसको 3/4 को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, तो
तो हम इसको लिखेंगे कि देखिए 3/4 है, तो 4 को हम 10 के रूप में या 100 के रूप में जो है नीचे अगर बनाएं तो 25 से अगर गुना कर दें तो ऊपर भी 25 से गुना कर देंगे, तो ऊपर हो गया 75 और नीचे हो गया क्या 25 का 100, तो नीचे 2 का 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 0.075 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, ठीक है 0.75। नेक्स्ट यदि देखें तो कहता है 7/3 और 8/9 किसके बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम यदि लें तो 9 हो जाएगा, 3 3 9 तो 7 21 प्लस 9 1 9 तो 8 1 8 तो 21 और 8 कितना हो गया 29/9, और इसको 29/9 यहाँ पे ऑप्शन में बी में है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यदि बात करें हम क्वेश्चन की, यहाँ पे जो है अब अंग्रेजी का प्रश्न जो है आ गया है, तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कहता है कि विच इज द ओड वन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें से अलग कौन है विषम कौन है, तो देखिए ग्रास और प्लांट और गार्डन ये सब जो है वनस्पति से संबंधित है, लेकिन यहाँ जो है यह बुक है जो कि एक शिक्षा से संबंधित है, तो इसीलिए अलग यहाँ पे कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यदि आगे हम देखें बात 42 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीपोजिशन, तो विथ एट वॉन और डू, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा डू, क्योंकि यह एक वर्ब है बाकी सभी प्रीपोजिशन है। कहता है कि प्रीपोजिशन इसमें से कौन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशन नहीं है। अगला देखें कि गुआवा इज ए क्या है, तो क्रियल की रियल और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बीन्स, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि गुआवा जो है यह एक फ्रूट्स है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न देखें तो कहता है कि एन एलिफेंट तो रोयर्स की लोज की ट्रम्पेट्स की ग्रम्बलेस, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रम्पेट्स मतलब होता है चिंघाड़ना और हाथी जो है चिंघाड़ता है, इसीलिए सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यदि देखें तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखें 44 का सही आंसर कौन होगा ट्रम्पेट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन 45 यहाँ देखते हैं कि विच इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप द बॉडी हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग, यानी बॉडी को हेल्थ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें से कौन आवश्यक नहीं है, तो गेम एक्सरसाइज स्पोर्ट कुकिंग, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुकिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब कि कौन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन जो है यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है वर्ड्सवर्थ वाज ए क्या थे, एक पोएट की एक पॉलिटिशियन की एक क्रिकेटर की एक माउंटेनियर, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा पोएट एक थे, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट वर्ड्सवर्थ थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यदि देखें 48 नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल, यानी इसमें से कहता है कौन आर्टिकल जो है नहीं है, तो द आर्टिकल है एन है ए है, ये तीनों जो है क्या होते हैं आर्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एट देखिए यह एक प्रीपोजिशन है जो कि यह नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 49 नंबर प्रश्न तो कहता है कि पास्ट टेंस ऑफ डू, यानी कि डू का जो है पास्ट टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे डीड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यदि देखें तो कहता है कि बैसाखी इज द फेस्टिवल्स ऑफ, नहीं बैसाखी फेस्टिवल्स जो है यह एक स्वीट्स है कि कॉलर्स है कलर्स है कि हार्वेस्ट है कि लाइट है, तो यहाँ पे जो है संबंधित है हार्वेस्ट से, यानी कि हार्वेस्ट से यहाँ पे संबंधित है, क्योंकि फसल की कटाई होने पर ही बैसाखी पर्व मनाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यदि देखें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज क्या होगा, ऑक्सेस की ऑक्स की है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सन हो जाएगा। अगला यदि क्वेश्चन देखें तो 52 नंबर तो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स राम इज नॉट एज खाली स्थान श्याम, तो यहाँ पे एज लगा हुआ है तो यह एक पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, तो यहाँ पे टॉल है,
और टॉल ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें तो कहता है अपोजिट वर्ड फॉर थिक, तो थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, तो मोटा, तो इसका जो है पतला का देखिए तो थिन, थिन का मतलब होता है पतला, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थिन। अगले यदि देखें तो कहता है कि द प्लुरल ऑफ चाइल्ड इज क्या, यानी चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, तो यहाँ पे सही आंसर चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला यदि क्वेश्चन देखें तो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी माधुरी हैज हार्डली खालिस्तान फूड, ऑप्शन है सम, मच, लेस, एनी, तो हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है और निगेटिव एडवर्ब के बाद में एनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एनी। अगला यदि देखें तो कहता है आई एम गोइंग टू प्ले खालिस्तान द गार्डन, तो यहाँ पे देखिए गार्डन में खेल रहा है तो यहाँ पे जा रहा है, खेल खेलने जा रहा है, तो यहाँ पे में अगर है तो गार्डन, तो इन द गार्डन होगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि बात करें तो अर्थ इज ए क्या है, प्लेनेट है कि सैटेलाइट है कि स्टार है, तो स्पेस या स्पेस क्राफ्ट है, तो यहाँ पे दो देखते हैं कि अर्थ जो है यह एक क्या है, एक प्लेनेट है, ग्रह है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यदि बात करें तो कहता है पिक आउट द ओड वर्ड इन द फॉलोइंग, पेंटिंग की, स्केच की, पोएट्री की, प्लास्टर, तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो है चित्रकारी से संबंधित है, लेकिन प्लास्टर का मतलब होता है लेप लगाना, जो हम दीवार पे जो है प्लास्टर किया जाता है वो होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यही जो है ये क्या है, ऑड है सबसे। फिर आगे जो है अगर देखें तो कहता है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये किए किए ये, यहाँ पे देखिए सही जो स्पेलिंग है वो कौन है, तो यहाँ पे सही स्पेलिंग हो जाएगा पिन्यूमोनिया, यानी कि ये जो है यहाँ पे सही आंसर होगा बी। अगला यदि देखें लास्ट इंग्लिश का लास्ट प्रश्न तो वह है ए पर्सन हु कैनॉट हेयर इज कॉल्ड, जो पर्सन मतलब सुन नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम डिफ बोलते हैं और डिफ का मतलब होता है बहरा, तो इसीलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का जो फर्स्ट प्रश्न है 61 नंबर की गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो यहाँ पे ए में है आर्किमिडीज, बी में आइंस्टीन, और सी में एस एन बोस, और डी में है न्यूटन, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा सर आइजेक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, और उनके उन्होंने जो है ऊपर सेब गिरने की घटना से ने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने बताया कि गिरने वाली प्रत्येक वस्तु जो है पृथ्वी पर जितने भी गिरने वाली वस्तु होती है नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिरती है, और चंद्रमा एवं अन्य ग्रह भी जो कक्षा में बने रहते हैं अपने कक्षा में वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं, यह बात जो है उन्होंने बताए। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 62 नंबर है कि द्रव्य जिसकी निश्चित आकृति होती है वह क्या कहलाता है, तो जिसकी निश्चित आकृति होती है उन्हें द्रव कहते हैं कि गैस की, ठोस की, वाष्प, तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग बताइए, तो देखिए कि जो द्रव्य जिसकी निश्चित आकृति होती है वह ठोस कहलाता है, और ठोस अपने जो है आकार को बनाए रखते हैं और बल लगाने पर ठोस जो है टूट भी सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ठोस होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यदि 63 क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि बर्फ का टुकड़ा जो पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ ज़्यादा भारी है कि हल्की है कि ठोस है कि पिघलती है, तो आप जो है इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, और हम बता देना चाहते हैं कि बर्फ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, यानी कि जब कोई तरल ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, कोई भी ठोस जब तरल में परिवर्तित होता है तो उसका क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है और वह भारी हो जाता है, परंतु
लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पानी जमकर जो है जैसे ही बर्फ में बनता है तो उसका आयतन जो है घटने लगता है, यानी घटने लगता है, लेकिन ऐसा जो है घटने लगता लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह जो है बढ़ जाता है, जिससे घनत्व जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब घनत्व कम हो जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, और इसके कारण घनत्व कम हो जाने के कारण वह पानी की तुलना में एकदम काफ़ी हल्की हो जाती है, परिणाम स्वरूप वह बर्फ जो है पानी पर तैरती है। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा कि बर्फ जो है यहाँ पे हल्की है, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला यदि देखें हम कि मरुस्थल में कौन सा पौधे अधिकतर पाया जाता है, तो आम, टमाटर, नागफनी कि नीम। तो यहाँ पे आप लोग सही आंसर बताइए कि कौन सा होगा। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है ना नागफनी का पौधा अधिकतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र होता है और वहाँ पे कटीले पौधे एवं झाड़ियाँ जो है ज़्यादातर उगता है, तथा वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उसमें वात्सर्जन भी कम होता है, यानी कि जो पत्तियाँ से जो पान वाष्प जो है बाहर निकलती है वो भी जो है वहाँ पे कम होती है, और पेड़ की पत्तियाँ कांटेदार एवं चिकनी सतह वाली वहाँ पे होती है मरुस्थल में। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा नागफनी, जो कि एक मरुस्थलीय पौधा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखें यदि, तो कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से किससे मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो ये में है पेड़ काटने से, बी में बांध बांधने से, सी में है पेड़ लगाने से, और डी में है सड़क बनाने से। तो यहाँ पे आप लोग सही आंसर बताइए। जैसे कि हम लोग जो है मृदा क्षरण को रोक सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम अगर पेड़ जो है लगाएंगे तो मृदा संरक्षण क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि पेड़ का जड़ जो होता है आपस में मिट्टी को जकड़े हुए रहता है, इसी कारण जो है मृदा क्षरण पे रोका जा सकता है, और सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यदि देखें तो वायुमंडल में लगभग 78% भाग है किसका, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का कि जलवाष्प का कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है, और 20-21% जो है यहाँ पे या ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी अन्य गैस जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब थोड़ा सा मात्रा में पाया जाता है। आगे यदि देखें हम कि 67 नंबर कि मानव शरीर में रक्त की कमी निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो यहाँ पे रक्त की जो कमी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम की लोहा, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि मानव शरीर में लौह की अगर जैसी कमी होता है तो रक्त की भी कमी हो जाता है, और उस रक्त की कमी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनीमिया। और रक्त की कमी से रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बहुत ही कम हो जाती है, इस कारण से इस कमी से जो है रोग भी होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि अगला हम प्रश्न देखें 68 है कि मलेरिया किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया कि विषाणु कि कवक कि प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे सही आंसर जो बता देना चाहते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटोजोआ होगा, क्योंकि मानव शरीर में मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, एक प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होता है, और यह रोग मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है, ठीक है। और मलेरिया के हम उपचार की अगर बात करें तो सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने एक चिकित्सक की जो है बनाए एक दवाई बनाए क्लोरोक्वीन, जिसको कुनैन की दवा उसको कहते हैं, कुनैन की छाल से जो है उसको बनाया जाता है। इसी कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यदि बात करें तो व्हेल और डॉल्फिन निम्न में से किस श्रेणी में हैं, तो मछलियां हैं कि सरक कर चलने वाले प्राणी हैं कि स्तनधारी हैं कि उभयचर हैं। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्तनधारी होते हैं ये जो ह्वेल और डॉल्फिन दोनों जो है स्तनधारी अर्थात समतापीय प्राणी हैं, और यह जो है शिशु को जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु जो होते हैं अपवाद होते हैं, अपवाद स्वरूप जैसे अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं, जैसे एक्टिना
और प्लेटिपस, एक्डिना और प्लेटिपस दो ऐसे स्तनधारी हैं, स्तनपाई हैं, जो अंडा भी देते हैं और बच्चा भी देते हैं, दोनों देते हैं, ठीक है। और वो है क्या, एक्डिना और प्लेटिपस, तो उसको जो है आप लोग याद रखिए। अगला यदि बात करें हम क्वेश्चन कि भ्रूण निम्न में से किस में छिपा होता है, तो भ्रूण तो यहाँ सबको जानते होंगे कि भ्रूण से जो है नया पौधा, एक छोटा सा पौधा का निर्माण होता है और जो कि बीज में होता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे यदि देखें कि चूने का पत्थर किस से बना हुआ होता है, तो लोहा की, तांबा की, बालू की, कैल्शियम। यहाँ पे 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जब हम जानते हैं कि चूने का पत्थर जो है वह एक कैल्शियम अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें जो है कैल्शियम होता है और यह कैल्शियम से बना होता है, और चूना पत्थर जो है यह एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो ये भी याद करेंगे कि चूना पत्थर एक कैसा चट्टान से बना हुआ है, तो अवसादी चट्टानों से यह बना हुआ होता है, ठीक है। हम आगे बात करें यदि अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अलग और भिन्न है, तो कोयला की, पवन की, सूर्य का प्रकाश की, पानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयला जो है सबसे अलग है, क्योंकि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, बाकी सब जो है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे कोयला होगा, ठीक है। अगला यदि बात करें कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल है, तो देखें हम कहता है कि ए में कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, यांत्रिक बल कि विद्युत बल कि गुरुत्व बल कि चुंबकीय बल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है वह गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं गुरुत्व बल के कारण ही पेड़ की पत्तियां जो है नीचे गिरती है, पर्वतों से जो है पानी नीचे गिरती है, सब गुरुत्व बल के कारण ही ऐसा होती है। यदि आगे हम देखें अगला क्वेश्चन कि बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो दूरबीन की, ताल की, सूक्ष्मदर्शी की, दर्पण। तो यहाँ पे जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका बात यदि करें तो सूक्ष्मदर्शी भी दो तरह के होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जिसका खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है, एंटोनी लीवेनहॉक ने, और एक जटिल सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है, और उसका खोज जो है यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है, और उसका खोज जो है जेड जॉनसन ने किए थे, तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है फल बन जाते हैं बीजों से कि पत्तों से कि तनों से कि फूलों से, तो यहाँ पे जो है फूलों से जो है क्या होते हैं, फल बनते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला बात करें कि सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है 10 की, 11 की, 8 की, 7, तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो होगा 8 ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखें कि काई, काई अर्थात फंजाई, यह एक क्या है, जीव है कि पौधा है कि विषाणु है कि बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पौधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला यदि बात करें कि हैजा निम्न में से किससे फैलता है, तो मच्छर से कि मक्खियाँ से कि तितली से कि कीड़े से, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खियाँ से, ठीक है। और अगला बात करें यदि क्वेश्चन तो देखें 79 कि तापक्रम निम्न में से किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर कि लैक्टोमीटर कि थर्मामीटर कि वोल्टमीटर, तो यहाँ पे सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मामीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला यदि क्वेश्चन देखें तो 80 जो कि विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा किस में नापी जाती है, तो वस्तु की मात्रा जो है नापी जाती है किलोग्राम में कि न्यूटन में कि मीटर में कि घंटा में, तो किसी भी वस्तु की मात्रा को जो है हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न, तो इस सामाजिक विज्ञान का हम पहला प्रश्न देखें तो 81 नंबर कहता है दक्षिण ध्रुव के नज़दीक महाद्वीप कौन सा है, एशिया की, दक्षिणी अमेरिका की, अफ्रीका की, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा अंटार्कटिका होगा, और यह जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, तो सही आंसर अंटार्कटिका। अगला जो है कहता है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो ये में रांची, रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, तो इसका सही आंसर जो होगा रायपुर होगा, लेकिन अब जो है इस रायपुर का नाम जो है बदल कर रख दबल गया है अटल नगर,
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे अटल नगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऐसे सही हो जाएगा इसका। अगला यदि देखें कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 22 की 20 की 18 वर्ष की 21 वर्ष, तो पहले था 21 वर्ष लेकिन अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि बात करें कि अहिंसा परम धर्म है, यह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कि इंदिरा गांधी के द्वारा कि महात्मा गांधी के द्वारा, तो आप जो है इसका आंसर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ये अहिंसा ही परम धर्म है यह कौन कहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और इस फौज ने, इस आज़ाद हिंद फौज ने ही जो है पूरे भारत के स्वतंत्रता दिलाने का एक संकल्प लिया था और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला यदि देखें 86 नंबर प्रश्न, तो भारत में पहली रेलगाड़ी ने दौड़ाना शुरू किया था, तो वह कब किया था, तो 1853 ईस्वी में किया था और यह मुंबई से थाने के बीच जो है चलाई गई थी और 34 किलोमीटर की पूरा दूरी थी उस समय, ठीक है, तो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यदि देखें मेघालय कि मेघालय की राजधानी है दिसपुर, सिक्किम की गुवाहाटी की शिलोंग, तो यहाँ पे मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा, शिलोंग होगा और ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे है कि भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी, भारतीय गणराज्य की स्थापना यहाँ कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को हुई और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कि वर्ष 1950। अगला देखें और फिर हमारा स्वतंत्र कब हुआ, तो स्वतंत्रता जो है हमारे देश को मिली 15 अगस्त 1947 को। अगला है कि प्याज है, तो प्याज यह एक क्या है, बीज है, कंद है, तना है, फूल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक तना है और यह शल्क कंद है जो कि भूमि के नीचे होता है। अगला यदि क्वेश्चन की बात करें कि पायरिया बीमारी है मसूढ़े की, फेफड़े की, यकृत की कि बालों की, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि मसूढ़े की होगा, यानी कि पायरिया जो बीमारी है यह एक मसूढ़े की बीमारी है और इस रोग का जो कारक है एंट अमीबा जिंजोलविस नामक जो है एक परजीवी है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के मसूढ़ों से खून आता है और मुंह से बदबू आती है, ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है कि जब लोहे में जंग लगता है तो इसका भार बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जुड़ जाता है क्या, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, पानी की वाष्प, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पानी की वाष्प जो है उसमें जुड़ जाता है जिसके कारण वह जो है उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है, और लोहे की जो सतह है वह जल योजित होकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है और इसी कारण जो है उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, तो सही आंसर होगा पानी की वाष्प, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बानवे कि निम्न में से कौन मिश्रण है, तो यहाँ पे देखेंगे नमक की, पानी की, मिट्टी की, तूतिया, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी क्या है, यह एक मिश्रण है, इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो है मिले हुए होते हैं और पानी एक यौगिक है जिसमें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु पाया जाता है और उसी प्रकार तूतिया जिसको नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं और उसका रासायनिक यदि हम फार्मूला की बात करें तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 होता है, ठीक है, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा मिश्रण तो मिट्टी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे यदि देखें कि यदि अचानक भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, चारपाई पे सोना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, विद्युत खंभे के पास खड़ा होना चाहिए कि खाली जगहों की ओर भागना चाहिए, तो जब भूकंप आए तो खाली जगह की ओर भागना चाहिए और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस समय जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो इसलिए यह जो है प्रश्न चेंज होकर आएगा
क्योंकि पिछले वर्ष का प्रश्न है, तो उसके अनुसार ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देखें 95 कि भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि मुख्यमंत्री के द्वारा, कि संसद के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा, राष्ट्रपति जो है वह मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यदि देखें कि निम्न में से कौन 1857 की लड़ाई में नहीं था, तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे और दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे हम देखें यदि, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो है 1857 ईस्वी की लड़ाई में नहीं थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई देखें तो यह झांसी में थी, और नाना साहेब पेशवा को देखें तो कानपुर में, और तथा तात्या टोपे जो है ग्वालियर में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, इसलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यदि बात करें किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, और इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने ही बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, और ये जो है वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, और उन्होंने हिंदी में एक पुस्तक लिखा, पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के यह रचनाकार भी रहे हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ से तीन बात जो है आप लोग याद रखिए। अगला जो है कि निम्न में से कौन महाद्वीप नहीं है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला यदि देखें कि वेद कितने हैं, तो वेद जो है चार गो है, और चार गो कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है, लेकिन सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह है ऋग्वेद। अगला यदि हम बात करें कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शन में तो यहाँ पे कोई नहीं है। अगर बात करें कि अभी का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वह है कौन, डॉक्टर रामनाथ कोविंद है, यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कार्यरत है, जो कि 25 जुलाई 2017 को इन्होंने जो है पद पर आश्रित हुए हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो 2002 से 2007 तक जो भारत के राष्ट्रपति थे वह APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है, और उस समय 2007 का क्वेश्चन है, 2007 के क्वेश्चन में APJ अब्दुल कलाम उसका आंसर होना चाहिए। लेकिन 2007 से 2012 तक जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने, उसके बाद जो है अगर बात करें 2012 से 17 तक वो प्रणब मुखर्जी रहे, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है 100 प्रश्न यहाँ पे एंड हो गया, और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं इसका PDF जो है हमें चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर PDF के लिए आप लिखिए, तो हम जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से जो है आप इसे बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।